everyone. Good noon, guys. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello, ji, hello. Kaise ho sab log? All well, guys. Okay, so then this newspaper analysis session, the Hindu newspaper analysis session, it happens regularly from Monday to Saturday morning 11 to 11:45 के बीच में ये session होता है. ये 45 minutes का आज थोड़ा सा late लिया है. So ये 45 minutes का जो session है, इसमें आपका पूरा newspaper बहुत अच्छे से cover हो जाता है. सारे important news newspaper के अच्छे से cover हो जाते हैं. So and law entrance exam aspirants को ये definitely help करेगा. एंड इसके अलावा कोई भी लॉ और एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जैसे कि यूपीएससी या बैंकिंग एग्ज़ाम वगैरह, तो भी आपको ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा. ठीक है, ओके. तो स्पेसिफिकली अगर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स की बात करूँ, तो उनको ये सेशन लीगल रीजनिंग, इंग्लिश सेक्शन एंड करंट अफेयर सेक्शन, ये तीनों एरियाज़ में हेल्प करने वाला होगा. ठीक है, तो आज गाइज सैटरडे का दिन है, 10th of September, दिल्ली एडिशन मैंने लिया हुआ है. एंड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, सो गाइज फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम योर फ्रंट पेज इज, हे सलोनी, हाय राहुल, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड नून. ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमने कल भी देखा, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है वन ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया, गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले एरिया से. एंड चाइना ने भी तैयारी दिखाई है कि और भी जो भी हम पीस के लिए, बॉर्डर पे पीस के लिए जो कर सकते हैं हम करेंगे. अचानक से चाइना का मन में इतना बदलाव कैसे आ गया, नो आइडिया अबाउट दैट, बट इट्स अ गुड थिंग दैट इवन दे आर एस्पायरिंग फॉर पीस एट द बॉर्डर. बट वॉट दे सेड इज वन ऑफ द वन थिंग यू नो विच दे हैव सेड इज शोइंग सम हर्डल्स अहेड. तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले लग नहीं रहे हैं, बट फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत भी सॉल्व हो रहे हैं वो इज़ बेटर ओनली. सो चाइना हैज सेड कि अगर इंडिया चाहती है कि अप्रैल 2020 के पहले जो भी था वैसा स्टेटस को मेंटेन हो जाए, तो वो नहीं होगा. बिकॉज चाइना ऐसा बोल रही है कि इंडिया वालों ने अपना यू नो बॉर्डर एरिया से थोड़ा आगे बढ़ के इंट्रूड कर लिया है, और वो फिर चाहते हैं, उन्होंने घुसपैठ की है इंडिया वालों ने, तो अगर वो चाहते हैं कि अभी पहले जैसा ही मामला हो जाए, तो वो तो नहीं होगा, ऐसा चाइना ने बोला है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो बेसिकली चाइना कुछ ना कुछ हमसे चाहता है, कुछ ना कुछ रीज़न ही है. और हमारे मिनिस्टर्स ने भी एक दबाव डाला है एक टाइप का, कि मोदी जी ने क्लियरली बोला है, और हमारे एस जयशंकर जी ने भी, कि रिलेशन में सुधार नहीं आएगा जब तक आप लोग डिसएंगेजमेंट नहीं करोगे, आप बॉर्डर पे चीज़ें ठीक नहीं करोगे. तो इसलिए थोड़ा चाइना में भी झुका है, बट स्टिल देर आर सम हर्डल्स अहेड. ओके, सो इंडिया चाइना इज गोइंग टू टेक अप रिमेनिंग LAC इश्यूज ऑल्सो. तो गोगरा हॉट स्प्रिंग डिसएंगेजमेंट मंडे तक ख़त्म हो जाएगा, सारे ट्रूप्स वहाँ से हटेंगे, बट और भी LAC इश्यूज़ है वो सॉल्व किए जाएंगे. बट और बाकी सब मैंने आप लोगों को जो अभी अभी बताया ओरली, वही चीज़ इधर हाईलाइट की हुई है. सो ये चीज़ लिखनी है गाइज, डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. तो आई पुट अ स्टार मार्क बिसाइड दिस. जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू टेल दैम दैट यहाँ ये सेशन में आपको नोट्स मेकिंग में भी हेल्प मिलती है. तो जो बनाने लायक है वो मैं बताती जाऊँगी बाय पुटिंग अ स्टार मार्क बिसाइड दिस. तो जो भी न्यूज़ के बाजू में मैंने स्टार मार्क किया है, उसके अंदर पार्ट है वो आपको लिख लेना है. ओके, सॉरी गाइज, आई थिंक देर वॉज सम डिस्टर्बेंस, आई मीन देर वॉज सम डिसकनेक्शन, बट आई होप थिंग्स आर नॉर्मल नाउ. कैन यू गाइज हियर मी एंड सी मी? लेट मी नो, कमेंट करके मुझे बता दो क्या अभी चीज़ें ठीक है. कैन यू सी मी प्रॉपरली एंड हियर मी?
ओके आई गेस यस, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, मेरे फोन में भी चालू है ये वाला वीडियो एंड आई कैन सी यू. या ओके सलोनी, थैंक यू. सो भारत बायोटेक की जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है सुचित्रा एला, उनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर, सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले का अवार्ड मिला है फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है. सिर्फ मे बी आप सिर्फ इतनी लाइन ये जो हाईलाइट किया उतना लिख लीजिएगा, बाकी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन पूरा और है भी नहीं ज़्यादा. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम योर फ्रंट पेज, और ये सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. जर्नलिस्ट कपन, जिसको केरला के एक जर्नलिस्ट है मिस्टर सिद्दीकी कपन, ऐसा बोला गया था कि ही इज़ इन्वॉल्व इन द टेररिज्म. ओके, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उनको अरेस्ट किया गया था, ये जर्नलिस्ट को. उनको 2 साल से लगभग अंदर रखा गया है जेल में एंड उनको बेल नहीं मिल रहा था. नाउ ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइनली उनको बेल मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट अलाउज बेल टू जर्नलिस्ट कपन, पुटिंग अ स्टार मार्क. डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लिखना है, जितना हाईलाइटेड पार्ट है प्लीज़ लिखिएगा. सुप्रीम कोर्ट ने खास ये मेंशन किया है कि सबका राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है. सो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये जर्नलिस्ट ने जो भी बोला है लिखा है, टेररिस्ट एंगल नहीं लेंगे इसमें और बेल उनको ग्रांट किया है. सो ये हुए हमारे फ्रंट पेज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ गाइज. और आगे के पेजेस पे क्या इम्पॉर्टेंट है, तो दिस इज़ अ वेरी लाइक बहुत अच्छा लगा मेरे को, मस्त लगा, इसलिए मैं ये पढ़ाने वाली हूँ. बाकी ये वाली न्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्ज़ाम के लिए काम की है. बट या कर्तव्य पथ जो है गाइज, जो नया लॉन्च हुआ, राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया है. ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया विद अ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा, तो कल्चरल फेस्टिवल जैसा इधर हो रहा है. आप खुद देख सकते हो, लॉट ऑफ पीपल आर आउट देयर. ओके, इधर इंडिया गेट है और उसके ऊपर कैसे सुभाष चंद्र बोस जी का हम क्या बोलते हैं, इमेज बना हुआ है. ठीक है, देन टॉयलेट्स एंड पार्किंग, बेटर लाइटिंग एडेड टू द स्ट्रेच. तो ये जो कर्तव्य पथ पे अच्छी आली लाइटिंग्स एंड टॉयलेट्स एंड पार्किंग एंड बड़ा सारा फैसिलिटीज क्रिएट किया है, तो दिस इज़ वन थिंग. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत मस्त लगा, मुझे ऐसे लगा के दिखाना चाहिए, इसलिए आई एम शोइंग यू दैट. ओके, लुक एट दिस, स्नैचिंग, पर्स चोरी करना, ये दिल्ली में बड़ा ज़्यादा हो रहा है आजकल. एक दिन में 26 जितनी स्नैचिंग्स हुई, तो ऐसा सब न्यूज़ है. बट ये भी हम एग्ज़ाम के लिए काम के नहीं हैं, तो नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, हम आ चुके हैं हमारे एडिटोरियल पेज पे, और आज दोनों के दोनों एडिटोरियल्स गाइस इम्पॉर्टेंट है, और आगे भी कई सारे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है. ये सारे हम लोग कवर करेंगे, बट क्विकली क्विकली मैं एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगी मेरा और अन अकेडमी का, और फिर इसको जस्ट 2 मिनट लगेगा गाइस, बेयर विथ मी. एंड और ऑब्वियसली काम की इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा एंड देन विल बी बैक टू न्यूज़पेपर एनालिसिस, और हम कंटिन्यू करेंगे. बड़े सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कहीं जाइएगा मत. ठीक है, सुहानी, इट माइट बी शोइंग यू ब्लर बिकॉज आपने 720p पे वीडियो नहीं किया होगा. आप वहाँ जो सेटिंग्स जैसा ऊपर बटन होता है वहाँ क्लिक कीजिए, एडवांस्ड वाला क्लिक कीजिए ऑप्शन, और 720p पे वीडियो देखिए, आपको कुछ ब्लर नहीं दिखेगा, सब कुछ दिखेगा. ठीक है, ओके. सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेयर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू सी एस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल एंड शेयरिंग माई नॉलेज. सो दैट्स मी गाइज, व्हाट आर वी डूइंग टूडे, वी आर डूइंग न्यूज़ पेपर एनालिसिस टूडे गाइज. ये जो प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी, ये बहुत बढ़िया वाला प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा वाला प्लेटफॉर्म है. अन अकेडमी मस्त वाला प्लेटफॉर्म है, ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइंड इट अनटिल नाउ. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फॉर फ्री फ्रॉम योर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर. ओके, फिर अगर आपको पहले फ्री एंड पेड दोनों क्लासेस है अन अकेडमी पे, तो पहले कुछ दिन फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस, ये सब अटेंड कीजिए. आपको अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगे प्लेटफॉर्म का, तभी जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए. ठीक है,
तो सब्सक्रिप्शन के लिए अभी चल रहा है 20% डिस्काउंट गाइस, ठीक है, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों में। पर ये 20% पूरा अवेल होगा तभी ही जब भी मेरा कोड निधि लाइव यूज़ करोगे। निधि लाइव कोड यूज़ करना है प्लस आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शंस के, जो जो भी ले रहे हो दोनों में से तभी। एंड ये जल्दी से कीजिए, बड़ा अच्छा ऑफर है, मिलेगा नहीं वापस, तो जल्दी ये ऑफर को आप फायदा उठाइए गाइस। दिस इज द राइट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन। एंड अनअकैडमी लर्नर्स हु मेड इट टू टॉप एनएलयू, इन लोगों ने टॉप एनएलयू में मेक किया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड 3 इयर्स एलएलबी के लिए एक बैच हमने अभी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। एंड क्लाउड 2025 एस्पिरेंट्स के लिए कल ही नहीं परसों ही एक बैच चालू हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन। तो बेसिकली ये बैचेस अटेंड करके सब्सक्रिप्शन लेके आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो। सो दैट्स वाई यू मस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन, ओके। बट ऑब्वियसली आप पहले खुद एक्सपीरियंस कीजिए फ्री फीचर्स के थ्रू और फिर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट कमिंग संडे को आ रहा है 3 बजे, जिसमें रैंक होल्डर्स को क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हो, स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। अनअकैडमी लीगल वर्ल्ड ये एक नया यूट्यूब चैनल भी हमने लाया है, लॉन्च किया है, ज़रूर इसे स्कैन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस इस पे होंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेगा गाइज। मेरी एक भी फ्री क्लास आज नहीं हो रही है, जस्ट राइट आफ्टर दिस क्लास 3 बजे, 3 से 4 मेरी एक प्लस क्लास होगी लीगल रीजनिंग की, जो न्यू बैच चालू हुई है, उधर मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ा रही हूँ, दैट्स इट। बाकी स्पेशल क्लास नो नो आज, नो नो, ओके। क्लैडी नोट्स का सैम्पल कॉपी मिल सकता है, स्कैन करिए कोड एंड स्पेशल क्लास सीरीज अटेंड कीजिए, ठीक है। अनअकैडमी क्लैट इज ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम फॉर दी अपडेट्स, प्लीज ज्वाइन इट। एंड अनअकैडमी क्लैट यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिस पे आप मुझे देख रहे हो। अभी अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ओके। राइट गाइज, तो हम लोग क्विकली क्विकली एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं। एंड आज के दोनों ही एडिटोरियल जैसे मैंने बताया थोड़े इम्पोर्टेंट से है, तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके सुहानी, मोस्ट वेलकम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पानी। सो गाइस, स्टेइंग द कोर्स, इन्फ्लेशन मे हैव मॉडरेटेड अ बिट बट रिमेन्स अ थ्रेट दैट वॉरंट्स कॉन्स्टेंट विजिल। तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली थोड़ा बहुत मॉडरेट हुआ है, बट इंडिया हो या वर्ल्ड लेवल पे सभी लोग अभी फिलहाल इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। इन्फ्लेशन से सभी कंट्रीज को अभी प्रॉब्लम है, स्पेशली ड्यू टू वॉर एंड अभी अभी कोविड ख़त्म हुआ, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से सभी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम है और इंडिया भी इसमें से बाकी नहीं है। भले हमने थोड़ा बहुत मॉडरेट किया है बट अभी भी थ्रेट है ही इसका, ठीक है। सो ये ध्यान में रखें आप लोग। जो सो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने काफ़ी लेंथ पे इस पे बात किया, ठीक है, ऑन इंडियाज इन्फ्लेशन बैटल। उन्होंने सिग्नल भी किया दैट इट्स नो लॉन्गर एज रेड लेटर्ड प्रायोरिटी एज देर आर मोर बिग पिक्चर परस्यूज सच एज क्रिएटिंग जॉब्स, सस्टेनिंग ग्रोथ एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि उन्होंने ये इंश्योर किया हमें कि इतना भी भयानक हालत नहीं है अभी इंडिया का, तो एकदम रेड लेटर्स में इसे हाईलाइट करना पड़े वैसा नहीं है। बड़े और भी बिग पिक्चर्स हमें हैंडल करने हैं, जैसे कि जॉब्स क्रिएट करना है, ग्रोथ सस्टेन करना है, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सब। तो उन्होंने अपने स्पीच में ये बताया कि गवर्नमेंट ने एबिलिटी दिखाई है अपनी इन्फ्लेशन को टैकल करने में, एंड उसको समवॉट मैनेजेबल लेवल तक हम लेके आए हैं इन कपल ऑफ मंथ्स। बट फिनेंस मिनिस्टर एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स टू बी कैप्ड ड्यू टू स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट सिंस कंज्यूमर इन्फ्लेशन हिट एन 8 ईयर हाई ऑफ 7.8% दिस अप्रैल एंड रीसेंट डिप इन कमोडिटी प्राइसेस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि कुछ स्टेप्स जो लिए गए आरबीआई ने लिए और गवर्नमेंट ने लिए, जब भी अप्रैल में ऑल टाइम हाई 8 साल का सबसे हाई कंज्यूमर इन्फ्लेशन हुआ था, तो उस टाइम पे जो स्टेप्स लिए उसके कारण थोड़ा सब कंट्रोल हुआ है। तो 2 जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन 6.7 1% आ गया, वो रिलीफ था,
ठीक है, मतलब दिखा के अभी चीज़ें कंट्रोल में आ रही है। ओके, प्राइस राइज इन रूरल इंडिया हैज़ बीन मच शार्पर, और प्राइस राइज रूरल इंडिया में तो बड़ा ज़्यादा ही हुआ है, 7.6% जितना लास्ट 4 मंथ्स में बढ़ा था, एंड 7% जितना पूरे 2022 में उसके ऊपर चला गया था। तो ओवरऑल एवरेज बहुत ज़्यादा था, 7% से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट था कंज्यूमर इन्फ्लेशन, ओके, रिटेल इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं। वेल, हेडलाइन मंथली नंबर्स अफेक्ट सेंटिमेंट, अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन इज मोर डिलेटरीज फॉर हाउस होल्ड एबिलिटी एंड प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, डेंटिंग डिमांड एंड ग्रोथ इम्पल्सिस दैट मे कैटलाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री। सो हेडलाइन मंथली नंबर्स जो है वो डेफिनेटली सेंटिमेंट अफेक्ट करते हैं, स्पेशली हाउस होल्ड, घर चलाने में जो लोगों को दिक्कतें आ रही है ना, उसके बारे में इधर ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अरे सो और डिमांड एंड ग्रोथ इंपल्स भी मतलब कम हो जाता है इसके वजह से। तो द अनइवन मॉनसून भी रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कहीं बारिश ही नहीं हुई है, मतलब कहीं बहुत कम बारिश हुई है, ऐसी अनइवन मॉनसून रही है। ठीक है, जिससे रूरल डिमांड जो है वो भी वीकन हो जाता है, एंड पैडी का जो सावेंग है मतलब बीज बोना वो भी बहुत कम हुआ है। ठीक है, RBI जो है हमारा बिलीव करता है दैट इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड इन इंडिया, इन्फ्लेशन बहुत पीक पे है। डिप्टी गवर्नर माइकल मिशेल पात्रा इज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ मॉडरेटिंग प्राइजेस डिस्पाइट लोअर कमोडिटी कॉस्ट। तो भले कमोडिटी कॉस्ट अभी लोअर हो गया है बट प्राइजेस अभी भी मॉडरेट हुए हैं, ऐसा डिप्टी गवर्नर को तो नहीं लग रहा है RBI के। ठीक है, सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ऑगस्ट ड्यू नेक्स्ट वीक कुड टेक इन्फ्लेशन क्लोजर टू 7% अगेन। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑगस्ट का है वो वापस 7% के आसपास होगा ऐसा उनका बोलना है, बिकॉज फूड प्राइस राइज हुई है जिसमें 45% ऑफ CPI उससे ही अफेक्ट होता है, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इट हैज़ डिप टू 5 month लो इन जुलाई। ओके, और जुलाई में भले 5 महीने का सबसे लो था बट ऑगस्ट में डेफिनेटली वो वापस बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है RBI के गवर्नर को, डेप्यूटी गवर्नर को। वेल, वन शुड होप द वर्स्ट इज बिहाइंड, इट्स टू अर्ली टू लेट द गार्ड डाउन। तो भले वर्स्ट अभी तुरंत नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बट फिर भी अपने गार्ड्स, अपने जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो अभी भी बंद नहीं करने प्रिकॉशन लेने, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी नेसेसरी। ओके, ऑन थर्सडे मिस सीतारामन सेड दैट मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स सच एज इंटरेस्ट रेट हाइक्स अलोन कैन नॉट टेम इन्फ्लेशन। तो मिस सीतारामन ने भी बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से भी इन्फ्लेशन सिर्फ कम नहीं हो जाएगा, एंड नज द RBI टू नॉट बी एज सिंक्रोनाइज विद इट्स डेवलप्ड वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स वेन ग्रोथ नीड्स टू बी अनफेटर्ड। और RBI ने भी और RBI को भी बोला कि हमारी जो वर्ल्ड काउंटर पार्ट्स है डेवलप्ड कंट्रीज उनके जैसा हमें एक्ट नहीं करना है, बिकॉज आवर नेशन इज स्टिल डेवलपिंग वन। ओके, द एम्फेसिस ऑन अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू कंटेन इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बेटर लॉजिस्टिक फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स। तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए बेटर लॉजिस्टिक्स चाहिए, मतलब बेटर डेटा, फिजिकल मतलब टैक्सेस एंड ट्रेड पॉलिसीज बेटर चाहिए। ओके, सच एज एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज ऑन राइस लेटर दैट इवनिंग इज करेक्ट। तो इधर बोल रहा है एडिटर कि राइस पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा दिया वो भी सही बात है, करना पड़ेगा ये सब। अ फ्लैगिंग ऑफ वाइड वेरिएशन इन स्टेट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड लिंकिंग हायर इन्फ्लेशन इन सम स्टेट्स टू देयर फेलियर टू कट पेट्रोलियम प्राइजेस मे बी अ टेड पॉलिटिकल। और 2 दिन पहले निर्मला सीतारामन जी ने ये बोला कि हमने सेंटर की साइड से फ्यूल प्राइजेस को थोड़ा कम करने के लिए, पब्लिक को रिलीफ हो इसके लिए हमने टैक्सेस कम कर दिए, तो बट स्टेट्स, कुछ स्टेट्स हैं जो कर ही नहीं रही है कम, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लोगों को चीज़ें महंगी लग रही है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ऐसा एडिटर बोल रहा है। बट द गवर्नमेंट मस्ट
act expeditiously on her call for a mechanism where the center and states work together to tackle price rise. तो डेफिनेटली सेंटर एंड स्टेट को साथ में मिलकर अभी ये प्राइस राइज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. दैट वुड बी मोर इफेक्टिव अगर सेंटर स्टेट साथ में आके सब करें. ठीक है, सो दैट्स इट. ये हमारा एडिटोरियल था फर्स्ट वाला. आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल इज अबाउट क्वीन. इसको भी थोड़ा ऊपर ऊपर से फटाफट फटाफट ही देखेंगे. एकदम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ, बट दिस वी कैन नॉट इवन स्किप. ओके, तो क्वीन एलिजाबेथ टू हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 एंड उनके जाने से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज और स्पेसिफिकली यूके को क्या क्या फ़र्क पड़ेगा ये चीज़ पढ़ना तो बनता है गाइस. ये हमें पता होना ही चाहिए. वी इफ़ वी वॉन्ट टू अपडेट आर करंट अफेयर्स प्रॉपरली ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, हे बाकी गुड आफ्टरनून. ओके, सो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैंने अभी अभी आपको जस्ट समझाया. ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़े, बट डेफिनेटली थोड़ा ऊपर ऊपर से करेंगे, इसको एकदम डिटेल में नहीं करेंगे. ठीक है, सो क्वींस पासिंग कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मिशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉमनवेल्थ. जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है उसको फ़र्क पड़ेगा और जो भी मिशन है उनका, उनकी रॉयल फैमिली का, उसको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा. कैसे समझते हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ का अलग ही हम बोलेंगे नसीब, डेस्टिनी और अलग ही रूल था. 70 years शी हैज़ रूल्ड, दैट्स जस्ट समथिंग. बिकॉज हर फादर पास्ड अवे इन अ वेरी यंग एज एंड शी वॉज द ओनली इन द लाइन ऑफ थ्रोन, ओनली हेयर ऑफ हर फादर, शी बिकेम क्वीन देन. ओके, एंड एट द एज ऑफ 26 शी बिकेम क्वीन एंड शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96. 70 years उन्होंने रूल किया है एंड इट्स नो स्मॉल थिंग. ओके, सो पासिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू यूके इज लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हु रेन्ड फॉर ओवर 70 years. 70 years से भी ज़्यादा उन्होंने रूल किया. मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा फॉर ब्रिटिश मोनार्की. ओके, डेफिनेटली, बट उनके सन प्रिंस चार्ल्स ने उनकी गद्दी संभाल ली है. हर टेन्योर एज हेड ऑफ स्टेट बिगेन ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स. तो जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना गाइज, उसकी जस्ट बाद में ही उनका टेन्योर बिगेन हुआ. एंड शी विटनेस द पैराडिग्म चेंजिंग शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू द कॉमनवेल्थ एंड द इमर्जेंस ऑफ फ्री पोस्ट कॉलोनियल नेशंस. तो ब्रिटिशर्स ने बड़े सारे अलग अलग कंट्रीज पे रूल भी किया है और वर्ल्ड वॉर जब भी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद बहुत सारा पॉलिटिकल पावर पहले जो उनके फादर के टाइम पे था वैसा नहीं रहा था. ठीक है, इवन ब्रिटिश एम्पायर का भी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का भी, पोस्ट कॉलोनियल नेशंस में भी, मतलब जैसे इंडिया और वो सब कंट्रीज में. ड्यूरिंग आर टाइम, मतलब इनफैक्ट ये क्वीन आई बिफोर 70 years. हमारे इंडिपेंडेंस के जस्ट थोड़े बाद ही क्वीन आई थी. ठीक है, एंड द इमर्जेंस ऑफ फ्री, ओके, ड्यूरिंग हर टाइम ऑन द थ्रोन द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड एंड सो टू डिड द यूकेस 47 years एक्सपेरिमेंट एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन. उनके ही रूल के टाइम 70 years में कोल्ड वॉर जो चल रहा था पहले स्टार्टिंग में वो भी एंड पे आया एंड यूके का जो 47 years तक यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर था वो भी उन्हीं के टाइम पे, हमें पता है ब्रेग्जिट हुआ कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले ही बोरिस जॉनसन ने करा, वो भी उनके ही रूल के समय में ये भी हो गया. नो फ्यूअर देन, तो उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपने रूल में. नो फ्यूअर देन 15 यूके प्राइम मिनिस्टर केम एंड वेंट व्हाइल शी रेन्ड व्हेन शी वाज ऑन द थ्रोन. 15 से ज़्यादा यूके प्राइम मिनिस्टर आए और गए. इवन लिज ट्रस को भी वो मिलके गए. लिज ट्रस के साथ उनका फोटोग्राफ हाथ मिलाते हुए भी हमने इधर द हिंदू में ही देखा था. और लिज ट्रस के आने के जस्ट 2 दिन के बाद शी पास्ड अवे. ओके, उनके साथ ये फोटो देखा था. शी वॉज ऑल वेल और बहुत पीसफुली शी हैज़ पास्ड अवे. ओके, एंड फ्रॉम विंस्टन चर्चिल टू लिज ट्रस, सारे 15 के 15 जितने यूके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने देख लिए. हर रूल वॉज नॉट विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी. देखिए, कोई भी के, और ये ज़माने में जब भी डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा
माना जाता है डेमोक्रेसी में, उस टाइम में ऑब्वियसली उनके रूल में कॉन्ट्रोवर्सीज तो हुई है काफ़ी. ऑन द पर्सनल फ्रंट शी सफर्ड एन एनस हॉरिबलिस इन 1992. ओके, वेन द मैरिज ऑफ थ्री ऑफ अवर चिल्ड्रन ब्रोक डाउन एंड विंस्टर कैसल वॉज डैमेज बाई फायर. तो उनके रोल में भी कॉन्ट्रोवर्सी बड़ी हुई थी. पर्सनल फ्रंट पे उनको 1992 में बहुत बड़े पर्सनल लेवल के धक्के मिले, जब भी उनके तीन बच्चे, चार बच्चे हैं उनके, उसमें से तीन बच्चों की मैरिज फेल हो गई, उनके डिवोर्सेस हुए. प्रिंस चार्ल्स का प्रिंसेस डायना के साथ डिवोर्स इज वेरी फेमस, एंड देन प्रिंसेस डायना का मर जाना, ये सब बहुत फेमस है. सो व्हेन द मैरिज, हाँ आई एम श्योर आप सबने क्राउन वाली सीरीज भी देखी होगी. व्हेन द मैरिज, ओके, एंड फिर विंस्टर कैसल, उनके पैलेस के वन ऑफ द कैसल में भी आग लग गई. इन द आफ्टरमैथ ऑफ द डेथ ऑफ किंग चार्ल्स, फॉर्मर वाइफ डायना इन अ कार एक्सीडेंट इन पेरिस इन 1997, क्रिटिसिज्म वॉज लेवल्ड एट द मोनार्की फॉर शाइंग अवे फ्रॉम पब्लिक रिस्पॉन्स. प्रिंस चार्ल्स के, अभी जो किंग चार्ल्स बन चुके हैं वो प्रिंस चार्ल्स थे, उनकी वाइफ डायना के भी मर गई पेरिस में 1997 में कार एक्सीडेंट में. और ये कार एक्सीडेंट लोग, मतलब मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ये कार एक्सीडेंट नहीं, इट वॉज अ मर्डर, इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर. तो इससे भी पूरी मोनार्की को बड़ा पब्लिक रिस्पॉन्स से शाय अवे करना पड़ा. ठीक है, डिस्पाइट दीज ओकेजनल सेटबैक्स, क्वीन एलिजाबेथ हैज कॉन्स्टेंटली एंजॉयड अ हाई फेवर एबिलिटी रेटिंग अमंग द ब्रिटिश पब्लिक 75% अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट पोल. तो वो बड़ी फेवरेट थी ये सारी चीज़ों के बावजूद ब्रिटिश पब्लिक में. शीशी हर फेवरेटिज्म वॉज क्वाइट नाइस 75% जितना टिल शी पास्ड अवे. ऑब्जर्वर्स एट्रीब्यूट टू दिस टू हर स्टबर्न साइलेंस ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, वो एक चुप्पी बनाए रखती थी पॉलिटिकल मामलों में, ये उनकी बड़ी एक मज़ेदार स्ट्रैटेजी थी. अ क्लोज बुक अप्रोच दैट अलाउड सब्जेक्ट्स, क्रिटिक्स एंड आउटसाइडर्स टू प्रोजेक्ट ऑन टू हर एंड द रॉयल फैमिली व्हेन वॉट एवर दे विश टू. एंड एक क्लोज बुक, वो लोग ओपन बुक, देखिए रॉयल फैमिली की लाइफ सबको पता करने में बड़ी इंटरेस्ट होता है, बट काफ़ी हद तक उन्होंने क्लोज बुक रखी है सो दैट क्रिटिक्स आउटसाइडर्स भी ज़्यादा रॉयल फैमिली के बारे में कुछ ना बोल पाए. हर पासिंग हाउएवर रेजेस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, अभी उनके मरने के बाद क्या क्या चीज़ हुई, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस खड़े हुए हैं रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द मोनार्की विज़ द कॉमनवेल्थ रूल्स. तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थी, जिसकी वो हेड थी इतनी सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, और जो मोनार्की थी उनकी, उनके सबके रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस खड़े हुए हैं. द प्रोग्नोसिस ऑफ फॉर द लेटर्स कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन इन अ वास्टली डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक मिल्यू कंपेयर टू द एलिजाबेथिन एरा. तो एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी और उनके फादर थे, तभी का पूरा एरा ही अलग था. और बिकॉज शी वॉज सो मच फेवरेट ऑफ पीपल, तो तब तक मोनार्की चली. अभी रॉयल फैमिली का क्या हाल होगा, नोबडी नोज. कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द डिबेट इन ऑस्ट्रेलिया वेर देर इज अ पॉपुलर मूवमेंट टू रिपोजिशन द कंट्री एज अ रिपब्लिक, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज बीइंग कीन टू सेट अप अ ट्रीटी विद द एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर कम्युनिटीज. तो ऑस्ट्रेलिया भी वन ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वहाँ की भी हेड, तो भले वहाँ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट सब कुछ है, बट वहाँ की हेड फिर भी क्वीन थी. ओके, बट अभी ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक दो साल से बोल ही रहा है, स्पेशली ये नए जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके, एंथोनी एल्बनीज के अंडर, कि हमें कॉमनवेल्थ रिजिम से बाहर निकलना है. ठीक है, इन 2021 बारबाडोस बिकेम द 18th कंट्री टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम द रोल ऑफ हेड ऑफ स्टेट. फिर 2021 में इवन बारबाडोस ने, और 18th कंट्री बनी जो ने कॉमनवेल्थ में से हट गए और ब्रिटिश मोनार्क को अपने हेड ऑफ स्टेट के रोल से हटा दिया. सो सभी कंट्रीज अभी डेमोक्रेसी में मानती है और हेड ऑफ स्टेट नहीं रहने देंगे, स्पेशली अभी क्वीन के जाने के बाद तो और भी वो लोग ये चाहेंगे. अदर देन दीज टू नेशंस एंड द यूके, द ब्रिटिश मोनार्क रिमेन्स द हेड ऑफ स्टेट इन. तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और ये बारबाडोस के अलावा और यूके के अलावा ब्रिटिश मोनार्क जो है, मतलब क्वीन जो थी, शी वॉज हेड ऑफ स्टेट इन एंटीगुआ, बरबूडा,
बेलाइज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिना, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुसिया एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइज, सोलोमन आइलैंड्स, द बहामास, द एंड तुवालू, इन सब की, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आते हैं और ये सभी की हेड ऑफ स्टेट क्वीन है. एटलीस्ट सिक्स कैरेबियन नेशंस हैव हंटेड एट द फॉलोइंग द बारबाडोस एग्जाम्पल, और इसमें से छः कैरेबियन नेशंस जो है उन्होंने भी अपनी इच्छा यही दिखाई है कि बारबाडोस ने जो किया हम भी वही करेंगे, वो लोग भी मोनार्की हटाएंगे वहाँ से. हाउएवर द ब्रॉडर कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ 56 नेशंस ऑफ विच इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज आर मेंबर्स, और ये कॉमनवेल्थ अलग हो जाता है जिसमें क्वीन इज वॉज अ हेड ऑफ स्टेट, बट उसके अलावा भी हम भी 56 नेशंस है दूसरी जिसमें इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज भी काफ़ी पार्ट है ब्रॉडर कॉमनवेल्थ ग्रुप के, वो अभी भी इंटैक्ट है. थैंक्स इन लार्ज पार्ट टू द क्रूशियल रोल दैट द क्वीन प्लेड इन चैंपियनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग इट्स रेलेवेंस. तो ये 56 नेशंस का जो कॉमनवेल्थ ग्रुप है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में क्वीन ने काफ़ी रोल प्ले किया है. ओके और उसका रेलेवेंस रखने में, तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं इसको हटाने की बात कर रहा है, ये एक अच्छी बात है. एज एपर्चुअल वॉज हर रोल सो टू कुड द इम्पैक्ट ऑफ हर पासिंग बी ऑन द मिशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ कॉमनवेल्थ. तो उनका रोल बड़ा ही सॉलिड था, ठीक है, बट उनकी पासिंग से जो ये कॉमनवेल्थ के प्रॉस्पेक्ट्स है इस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आ सकता है. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल कि क्या क्या होगा उनके पासिंग अवे से. देखिए लेटर्स टू द एडिटोरियल में भी यही चीज़ है, क्वीन एलिजाबेथ टू के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, ठीक है, बट हम एग्ज़ाम के लिए वो नहीं पढ़ेंगे. ओके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं. बड़े सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर में, क्विकली देखते हैं एक एक करके. सुमन, दिस इज सम पर्सन, कोई स्पैम है, मतलब वो लोग ऐसे फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं. काफ़ी सारे ऐसे लोगों को तो ब्लॉक अभी तक किया है बट नए नए आते जाते हैं. सुमन यू बेटर प्लीज़ एंड ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज़ ब्लॉक, तो आपको ये कमेंट नहीं आएगी. मोनार्क मीन्स किंग, रूल जो करते हैं डिक्टेटर, वैसे सलोनी. बिल्किस केस, तो बिल्की बानो केस आपको पता है गाइस, गुजरात वाला, जिसमें 11 कन्विक्स को 14 साल के बाद छोड़ा गया जिन्होंने मर्डर और रेप किए थे, ऐसे लोगों को जल्दी छोड़ा गया, तो उनको बेसिकली रेमिशन दिया गया, ऐसा बोलेंगे जल्दी छोड़ा गया मतलब. तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके रेमिशन रिपोर्ट्स मांग रही है कि किस बेस पे रेमिशन दिया एंड वो सब, तो ये ध्यान रखिए, ये लिखना नहीं है. बट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज गाइस, आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश रिसीव्स मॉडर्न आर्टिलरी. ओके सो अरुणाचल प्रदेश में आर्मी, हमने देखा नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया ने भी बनाना स्टार्ट किया है, तो आर्मी को मॉडर्न आर्टिलरी और मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टूल्स और वेपन्स मिल रहे हैं, ठीक है. देर इज़ अ फोकस ऑन सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस, ऑफिशियल सेज दैट, ऑफिशियल बोल रहा है कि फोकस है सर्विलेंस अच्छा करने में, मतलब पूरा सब सर्विलेंस मतलब ध्यान रखना. ओके तो इस पर खास फोकस है, ये भी ध्यान रखें. ये क्वीन के बारे में वन मोर न्यूज़ देखिए आप लोग, क्वीन का ऐसे बहुत अच्छा ये बनाया गया है सैंड मॉन्यूमेंट जैसा. सो द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ जी, दैट इज़ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मोदी, ऑल ऑफ देम पे ट्रिब्यूट टू क्वीन. ओके द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज, निशा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट टेक्स अप प्लीज अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के को चैलेंज किया गया है. इसमें ऐसा बोला गया था कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 पे जो चीज जैसी थी उसके बाद, उसके मतलब तभी जो था वैसी स्टेटस को रखने का, कोई भी टेम्पल्स या मॉस्क या वगैरह में चेंजेस नहीं करने के, इसके बाद के
मतलब उसके बाद कोई भी चेंजेस लाए गए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो कोर्ट आस्क सेंटर टू फाइल रिस्पॉन्स विद इन 2 वीक्स। तो इसको चैलेंज किया गया ये एक्ट को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप 2 वीक्स में अपना रिस्पॉन्स फाइल करो। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू कंसिडर दिस मैटर। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहने वाला है, बट अभी हमें कुछ लिखना नहीं उस बारे में। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये लिखना है आप लोगों को। सेंटर बैंस एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। जो ब्रोकन राइस होते हैं, डोमेस्टिक डिमांड उसकी काफ़ी बढ़ गई है, इंडिया को ही इतनी डिमांड है, तो सेंटर ने उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया। राइस प्रोडक्शन में फॉल ड्यू टू अ ड्रॉप इन पैडी सोइंग एरिया दिस खरीफ सीजन। तो ये खरीफ सीजन में जो पैडी सोइंग है, बीज बोने होते हैं राइस प्रोडक्शन के लिए, वो कम होने वाले हैं। तो ये सीजन में हमें, कमिंग सीजन में राइस प्रोडक्शन कम होगा, तो इंडिया में इसका काम, हमें अभी राइस चाहिए होगा पहले के साल का भी, तो इसलिए एक्सपोर्ट बंद करा दिया है, बैन कर दिया है सेंटर ने। दिस इज़ अ बिग न्यूज़, ये लिखना है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज गाइज, वंदे भारत प्रोडक्शन टू बिगिन। वंदे भारत में नई नई ट्रेन्स बनाई जाने वाली है विथ बेटर फैसिलिटी। ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन चेन्नई गाइज, जिसमें बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स, ये सब ध्यान रखे जाएंगे, वैसी ट्रेन्स आने वाली है। तो ये वंदे भारत प्रोडक्शन अक्टूबर में, ट्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। ये ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करके चेन्नई में होगा, लिख लीजिएगा ये हेडलाइन को भी। वर्ल्ड न्यूज़ पे और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये है नॉर्थ कोरिया मेक्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इरिवर्सिबल। ये बहुत बड़ा स्टेप नॉर्थ कोरिया ने ले लिया है, हालत ख़राब होने वाली है। नोबडी कैन कंट्रोल दिस नेशन, आई टेल यू, सीरियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। सो क्या होता है ना, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर में बहुत आगे आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोग उनके साथ डील कर रहे हैं और उनको, उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो रेडी टू निगोशिएट थिंग्स एंड ऑल। ईरान स्टिल इट्स नॉट दैट वर्स्ट, बट नॉर्थ कोरिया इज लिटरली वर्स्ट। हमें पता है कि लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सारे न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स नॉर्थ कोरिया कर चुके हैं, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने किया है। एंड नाउ उन्होंने एक लॉ पास कर दिया है खुद की कंट्री में, जिसके मुताबिक न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल इरिवर्सिबल होगा। कोई भी कैसे भी ये लॉ के कारण उसे स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो डीन्यूक्लियरलाइजेशन के लिए कोई भी टॉक्स फ्यूचर में या प्रेजेंट में या कोई भी कुछ कर ही नहीं पाएगा नॉर्थ कोरिया के साथ। ऐसे उन्होंने प्रिवेंटिव लॉज पास कर दिए हैं, आप देख सकते हो, ये हाईलाइट कर रही हूँ, फर्स्ट पैरा लिखना। तो नॉर्थ कोरिया को हैंडल करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एंड वेन दे डोंट वॉन्ट एनी डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स एंड वेन दे वॉन्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम टू बिकम इरिवर्सिबल, दैट मीन्स इट शोज वो कितना ज़्यादा न्यूक्लियर यूज़ करने की इच्छा रखता है। और ऐसे ही ऑब्वियसली उन्होंने न्यूक्लियर डेवलपमेंट इतने सारे नहीं किए हैं, तो आजू बाजू की कंट्रीज को कैप्चर करेंगे धीरे धीरे, और नॉर्थ कोरिया तबाही मचाने वाले, हालत खराब करने वाले हैं। बट सारी कंट्रीज, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज उनके अगेंस्ट आएगी तो ही कुछ कर पाएगी, वरना हालत खराब होने वाली है। स्पोर्ट्स न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट है वो करा देती हूँ, ये है आस्था डिलाइट्स विद अ न्यू रिकॉर्ड पुटिंग अ स्टार मार्क बिसाइड दिस एंड माना पिक्स अप हर थर्ड गोल्ड। ओके, सो ओलंपियन माना पटेल एंड लोकल फेवरेट आस्था चौधरी लाइमलाइट में आए हैं, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक चैम्पियनशिप में उन्होंने न्यू रिकॉर्ड बनाया है आस्था ने, और माना को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ये करना, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना है। एंड देखिए अंतिम जो है, अंतिम इंडियन टीम रेसलिंग सेंसेशन बन चुके हैं। उन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट किया है, तो उनके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, दैट्स इट।
ये करना नहीं है, ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ वापस ऑफ कोर्स करनी है, नीरज चोपड़ा वंस अगेन गोल्ड मेडल लाए हैं इंडिया के लिए, ओके। हिज थ्रो ऑफ 88.44 मीटर ऑन द सेकेंड अटैम्प्ट प्रूव्स द बेस्ट इन द कॉम्पिटिशन, शेज रिपब्लिक के वेडलेच फिनिश सेकेंड, वो सेकेंड आए हैं, ठीक है। तो ओलंपिक जुवेलिन गोल्ड मेडलिस्ट जो है, ओके, उन्होंने डायमंड ट्रॉफी जीत ली है, देखिए पहले इंडियन है डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले, ये ध्यान में रखिए, डायमंड लीग में डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले ये फर्स्ट है, मतलब गोल्डन ही जीता है, गोल्डन हिस्ट्री बनाई है डायमंड ट्रॉफी जीत के, इतना बड़ा डायमंड मिला है, वाओ। सो गाइस, ये सारे हो गए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ भी। सो आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने कवर करवा दिए हैं आज। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन। आज सिर्फ 3 से 4 मेरी एक प्लस क्लास हो रही है क्रिमिनल लॉ वाली, दैट्स इट। फिर फ्री क्लास आज नहीं होने वाली, आज और कल, मंडे को भी मोस्टली नहीं होगी, ट्यूसडे को अभी सीधा स्पेशल क्लास होगी, ओके। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन।